तो क्वेश्चन है, फिर से एफ फ्लक्स की स्पीड निकालो। ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये न्यूमेरिकल है और ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है जो मैंने थ्योरी की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर मान लो कोई दो लिक्विड्स हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, एक भारी लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 2d और एक हल्का लिक्विड है जिसकी डेंसिटी d है, और ये होल है और ये h/2 है, ये h/2 है। होल जो है उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है, h है। आपको एफ फ्लक्स की स्पीड निकालनी है, क्या होगी? तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ए पॉइंट और बी पॉइंट लेंगे होल के अंदर होल के बाहर, फिर से बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे लगा दी बर्नौलीज, एच पोटेंशियल एनर्जी को तो देखना ही नहीं, हटा दिया। आप बस ये बताएं कि ए पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा। ए पॉइंट पे प्रेशर होगा, एक तो इस लिक्विड का प्रेशर, ये हाइट क्या दिख रही है आपको, ये h/2 है, h/2 में से क्या माइनस करें, h, ये रहा हाइट इंटू रो की जगह 2d इंटू जी, एच रो जी लगा रहा हूं मैं। तो यहां की हाइट इंटू डेंसिटी 2d और इंटू जी, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? एच रो जी लगा दिया फर्स्ट लिक्विड का, प्लस प्लस ये भी तो होगा, इसका प्रेशर क्या होगा, h/2 इंटू डी इंटू जी, एच रो जी इस लिक्विड का, एच रो जी इस लिक्विड का प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक। तो आपके पास ए पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा, मैंने पुट कर दिया पी एटमोस्फेरिक प्लस फर्स्ट लिक्विड का h/2 dg, सेकेंड लिक्विड का h/2 माइनस एच इंटू 2d इंटू जी बाई डेंसिटी। दो लिक्विड्स हैं, एक की डेंसिटी d, एक की 2d, मैं कौन सा लूं? जो लिक्विड बाहर निकल रहा है। अब बाहर कौन निकल रहा है, 2d, तो डेंसिटी भी किसकी लेनी है, 2d। तो यहाँ लिक्विड की डेंसिटी 2d और va तो जीरो, क्योंकि जब भी कंटेनर के अंदर लिक्विड है तो उसकी वेलोसिटी जीरो। बाहर निकलते ही प्रेशर एटमोस्फेरिक, क्योंकि b पॉइंट हवा में आ गया, डेंसिटी फिर से 2d, एफ्लक्स। सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके एफ्लक्स निकालना, कैलकुलेशन अपनी अपनी है। ये आंसर आएगा एफ्लक्स का। ये न्यूमेरिकल है, ये थ्योरी नहीं है कि आप इसे याद कर लेंगे। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि बस बर्नौलीज लगानी कैसे है, बस इतना समझ में आना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में देखेंगे अगर आएगा तो। ठीक, रेंज निकालनी है। रेंज के लिए कोई मुझे ये कह सकता है कि आप ऐसा लगा दो, शॉर्टकट लगा दो, 2 इंटू होल अंडर रूट ऑफ होल की नीचे की हाइट होल के ऊपर की हाइट। अभी किया था फॉर्मूला, नहीं चलेगा फॉर्मूला यहां पर। क्यों? वो जो फॉर्मूलाज हमने किए थे वो एप्लीकेबल थे अगर सिंगल लिक्विड है, यहां पर लिक्विड दो दो हैं, तो यहां पर ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। आपको रेंज फिर से निकालनी पड़ेगी। कैसे? फिर से एक बार वाई एक्सिस में लगेगा एच इज इक्वल टू 0 + ½ gt² प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो एच इज इक्वल टू 0 वर्टिकल में ½ gt² और एक्स एक्सिस में क्या लगेगा, एक्स एस इज इक्वल टू vt। तो वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स पता है हमने निकाल ली और टाइम हमने ये निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके ये रेंज आएगी। आप इसे भी याद नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल में देखी जाएगी। ठीक है यहां तक? तो कॉम्पिटिशन में आएगा ये, नॉर्मल एनसीईआरटी में तो आएगा नहीं। फिर तीसरा क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है, अगर आ जाए कि आप मुझे ये बताओ कि h क्या होगा, h का मतलब होल की हाइट क्या लें, होल कहां रखें सच दैट रेंज मैक्सिमम हो जाए, मतलब पानी दूर से दूर जाके गिरे। तो रेंज का फॉर्मूला, ये पूरा रेंज का ही फॉर्मूला, इन्हें मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ये रेंज आ गई। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आंसर आएगा, रेंज आ गई। अब मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम बन गई, रेंज को मैक्सिमम करना है, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इक्वल टू जीरो किया था मैक्सिमा मिनिमा। तो इसने क्या किया, रेंज ली, वो कहता है रेंज का स्क्वायर ले लो, क्योंकि अगर रेंज मैक्स होगी तो रेंज का स्क्वायर भी तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो रेंज के स्क्वायर लेने का ये फायदा है कि अंडर रूट हट गया, यहाँ से डिफरेंशिएशन के स्टेप्स इजी हो जाएंगे। तो आर स्क्वायर को मैक्सिमम करना है तो उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, जो निकालना है हाइट निकालनी है उसके साथ इक्वल टू जीरो। आप यहाँ आर स्क्वायर को पुट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, dh/dh1 है और ये 2h है, सॉल्व करके हाइट आएगी कि इस हाइट पर अगर होल किया जाएगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। मेडिकल में तो खैर नहीं आएगा इतना, ये थर्ड स्टेप, बट हाँ नॉन मेडिकल में तो फिर भी क्लियर है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि आइडिया कैसे करना है इसमें। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन है,